उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पांचों लोकसभा सीटों को जिताने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज उत्तराखंड के रामनगर पौड़ी लोकसभा सीट के लिए पुष्कर सिंह धामी प्रचार करने पहुंचे हैं। यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल बलूनी चुनाव लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं पुष्कर सिंह धामी जनसभा के लिए रामनगर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर जिस गाँव में जनसभा होनी है, बताया जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा दलित गाँव है, जहाँ पर 50,000 से ज़्यादा की आबादी रहती है, जिसमें ज़्यादातर आबादी दलित समाज से आती है। ऐसे में यहाँ पर जनसभा रखी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि यहाँ के लोगों से बातचीत कर सकें, वोट की अपील कर सकें। पुष्कर सिंह धामी लगातार पांचों लोकसभा सीटों पर पांचों सीटों को जिताने के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम स्टार प्रचारक सभी सीटों पर लगातार चुनाव जिताने के लिए प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कल 11 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचेंगे और पहुंच करके ऋषिकेश में जनसभा करेंगे। ऋषिकेश में 3 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार, तीनों के लिए वहां पर वो प्रचार करेंगे। पुष्कर सिंह धामी जी भी रामनगर पहुँच चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी लगातार जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, बताया जाता है कि पांचों सीटों पर जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी के प्रयास के चलते ही पांचों सीटों पर इस प्रकार के सर्वे आए हैं कि पांचों सीटों को भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सीएम साहब रामनगर पहुंच चुके हैं और यहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। धामी जी रामनगर पहुंच चुके हैं क्योंकि जिस तरह से जनसभा को संबोधित करेंगे, यहां पर 50,000 से ज्यादा वो आबादी रहती है जिसे दलित समाज से जुड़ा हुआ माना जाता है। यहां पर पुष्कर सिंह धामी के साथ कई और नेता पहुंचे हुए हैं जो इस जनसभा को संबोधित करेंगे। आज का पुष्कर सिंह धामी जी के 3 जगहों पर दौरे हैं, जिसमें रामनगर, काशीपुर और हरिद्वार, इन जगहों पर पुष्कर सिंह धामी लगातार जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उनके प्रचार के लिए मांग की जा रही है। आज यहां पर प्रचार के साथ साथ लोगों से जनसंपर्क भी करेंगे। रामनगर पहुंचे पुष्कर सिंह धामी जी से बात करेंगे। सर, पांचों लोकसभा सीटों का आप भारी बहुमत से जीत रहे हैं, ये क्या है? लोगों में एक हुजूम उमड़ रहा है कि जो लगातार भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं। देखिए, इस बार लोग स्वयं इस चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है लोगों ने, और पांचों सीटें उत्तराखंड की भारी बहुमत से जीत रहे हैं। सब लोग प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मोदी जी को वोट करने वाले हैं और बड़ा ऐतिहासिक चुनाव है। सर, जहां आप पहुंचे हैं, ये एशिया का सबसे बड़ा दलित गांव है, यहां के लोगों की बड़ी अपेक्षाएं हैं आपसे और लगातार वो मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सीएम और प्रदेश के सीएम यहां पर आए, उनकी बात सुने। काफी सारे लोगों से हमने बातचीत की, उनका कहना था कि इस बार वो पूरी तरह से आपके साथ हैं, लेकिन वो भी चाहते हैं कि आप उनका साथ दें। निश्चित रूप से सबकी आशाएं, आकांक्षाएं और जो विश्वास है उसको हम लोग। सर, प्रधानमंत्री की और आपकी बड़ी डिमांड है पांचों सीटों पर। प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं, मैं सभी जगह जा रहा हूं, एक दिन में 3-4 स्थानों पर सभी लोकसभा क्षेत्रों का मेरा काफी भ्रमण हो गया है। हमारे साथ पुष्कर सिंह धामी जी थे, जिनका कहना है कि पांचों सीटों पर ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि सभी सीटों पर ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके, ताकि प्रचार प्रमुख तरीके से हो सके, प्रबल तरीके से हो सके और जो सीटें हैं वो भारी बहुमत से जीत सके। दानिश खान, एबीपी लाइव, रामनगर।